इंसान अपने आप का कुछ मुख्तार है, उसको अल्लाह ने अपने शरीर दी है, अपने दबाव से मजहबी तौर पर आजादी दी जाए। हाँ, एक दूसरे के मजहब और उसके देश और रहनुमा के बारे में कोई इस किस्म के हालात सरकार ना करे जिससे किसी की दिलाजारी हो, इस तरीके से मीटिंगें हो और हमारा दूसरे काम के लिए जाए। तो जो कानून इस तरह से मजबूत बनाए और जो बने हुए उस पर मुकम्मल तौर पर अमल हो, गलत इंसान कोई भी करे, कोई भी, चाहे मुसलमान काफिर के हिंदू भाई के खिलाफ, हिंदू भाई मोहम्मद भाई के खिलाफ, या कोई सिख अपने सिख ईसाई के खिलाफ, ईसाई सिख के खिलाफ, जो आईन बना हुआ है कानून पर सबसे सब सलाह देनी चाहिए। अगर सही तरीके से हमारे मुल्क का आईन इतना बेहतरीन आईन है, इतने बेहतरीन असूल हमारे मुल्क के, अगर यकीन दयानतदारी से ईमानदारी से इस पर अमल हो, तो हमारा मुल्क का निजाम इतना बेहतरीन से सुधरा हुआ नजर आएगा कि हमारे मुल्क से करप्शन और इस तरीके से जितना फसाद सब खत्म हो जाएगा। आज देखिए मामला किसी का मसला सब नहीं देते तो कोई किसी को मार नहीं रहा है। अगर इसकी सही सजा दी जाएगी तो मामला खत्म नहीं होगा। सही सी बात है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ पढ़ाई हो रही होगी, बैकवर्ड किया जा रहा होगा, जिस तरह से उसकी हिम्मत अफजाई हो रही है। तो ये होगा तो फिर आपस में हमारे देश के अर्थों के तार देखिए कोई यहाँ अब चूंकि हमारे इस वतन से हम वापस की है, इस मिट्टी से हम निकले, इस मिट्टी में जाएंगे तो अपना घर अपना वतन को कोई छोड़ेगा नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये गलत उसका काम ख्याल है और ये समझिए कि गुम्बद पे गोली रखने के मामले में रहना हमको साथ में ही है। यही पैदा हुए देश हमारा है, सबका है, सब के लिए यही रहना है, यही कमाना है, यही खाना है, यही मरना है, यही जीना है। तो आपस में बैर क्यों, आप अपना कमाओ अपना खाओ, आपस में हम भाईचारे कायम करो, इस तरीके से कितना फसाद से आए। याद रखिए कि अब इस मसले को लेकर कि राइस पर मीटिंग होती है तो बड़े बड़े चीनी की लोग आते बेचारे, बबल साय होता है, पैसे की बर्बाद होती है। तो इस तरीके से मैंने कहा कितनी मीटिंगें होती है, हर पर मीटिंगें होती होंगी तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा देश का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। सही जिस काम में लगना चाहिए नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आईन अच्छे से बनाया जाए, उसको बनाया जाए, उस पर अमल भी हो ताकि उसको सजा दे। आज यहाँ जो कुरान के लिए है मकसद हमारा उससे कोई ज्यादा दुश्मन नहीं, सब मकसद ये है कि उसको सजा इसलिए दी जानी चाहिए ताकि कोई दूसरा इस तरह से जितना ना करे। एक आदमी के जवान से अच्छा इससे उन्होंने जो तकरीर किया है, जो स्पीच दिया है, उससे उनके अपने मजहब की कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि चलो इस ये बात बोल करके हमारे हिंदू धर्म के लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ है या लिटरेचर के अंदर और तरक्की हो गया, दस लोग हिंदू बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। बस ये है कि भाई जो माहौल को आप बनाने सजाने के लिए आपने दूसरों को छेड़खानी करके मुल्क का माहौल अपने गर्म रख दिया, तो इससे उस एक स्पीच से कितना नुकसान मुल्क का हो रहा है। मुल्क का ही नुकसान है भाई, मुल्क के यहाँ के बासिंदों का नुकसान, मुल्क का नुकसान है। मुल्क के इस तरह से नुकसान हो रहे हैं और ये भी अब इस तरह से आईना बनाया जाए तो वक्त इस तरीके से बदल रहा है और बच्चों के अंदर एक दूसरे की नफरतें हो रही है, तो आगे चल के ये और बड़ा फितना और फसाद ना हो जाए, तो हमारा मुल्क कहीं नुकसान और फसाद की तरफ ना चले जाए। इसलिए मुल्क की सालमियत को बाकी रखने के लिए, यहाँ के भाईचारे को बाकी रखने के लिए और यहाँ के अमन अमान उपाय बाकी रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को, यहाँ के कल्चर को आपस में बनाए रखने के लिए हम बड़ों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आईन बनाइए हर मजहब के खिलाफ, कि अगर कोई भी चाहे मोमिन हो का हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, अपने मजहब के बारे में बात करें, इस तरीके से अगर किसी की दिल आजाने वाली स्पीच या बयान देगा उसको मुकम्मल तौर पर सख्त बनाया जाए और उसके अंदर उसको कानून पूरे तौर पर दिलाया जाए ताकि वो दूसरे की दिल आजाने वाला बयान ना करे और हमारे नौजवानों की भी किस तरह आपस में नफरत है ना करें। आप देखते हो कि बचपन में ऐसा है कि आपस में किस तरीके से मिलकर के हम लोग रहते थे, लेकिन आज इस तरह नफरत है कि वो भी मुसलमान बच्चा हिंदू मोहल्ले हिंदू भाई के मोहल्ले में जाने से डरता है और हिंदू भाई का बच्चा मुसलमान मोहल्ले में आने से डरता है। पहले रात कहाँ होती थी, दिन कहाँ गुजरता था, पता ही नहीं चलता था, इस तरीके से स्कूलों में हम लोग बच्चों में पढ़े थे, लेकिन आज इस तरह से माहौल बना दिया गया है। तो ये इसका दुर्बिलवा खुलासा महासब ये है सर कि इससे हमारे मुल्क का ही नुकसान है। आपकी जेब का पैसा, मेरी जेब का पैसा, इनकी जेब का पैसा, हम चूंकि हिंदुस्तानी है, हमारा पैसा हिंदुस्तान, हमारा नुकसान हिंदुस्तान का नुकसान है। यहाँ की पब्लिक अगर इम्प्रूवमेंट करेगी तो देश इम्प्रूवमेंट करेगा, पब्लिक अगर तनाजुरी की तरफ जाएगी इसका नुकसान होगा, तो देश का नुकसान होगा। इसीलिए बहुत खुशी की बात आप आए, आपकी निगरानी
और सरबराही में आप लेकर के काम करें और आप इससे बड़े बड़े लोग अगर इस तरह कदम उठाएंगे सर तो यकीनन हमारे देश में अमन सलामती कायम होगी और यहाँ काम बरकरार रहेगा। बस यही अर्ज आपसे पेश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ऊपर आप जुड़े और आप लोगों को काम है, हम लोग तो बोल ही पाएंगे, आप लोग तो जज के सामने बोलेंगे, जज को आप लोग मनवाएंगे, अब आप उसको इस पर भी धर चुके हैं, तो ये बात ऊपर तक मनवाई जाए कि भाई किसी धर्म के खिलाफ कोई इस तरह से आयता कभी बर्दाश्त ना करे जिससे कि हमारे देश में कितना हो, कितने से हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह ताला हमारे देश की हम नमन खाएंगे। एडवोकेट अमोल कामरे साहब जो कि भिवंडी से तशरीफ लाए हुए, वैसे एडवोकेट हमारे पांचाल साहब और हाई कोर्ट एडवोकेट हमारे आसिफ कादिर साहब, तो इस मीटिंग का मकसद यही था कि हमने ज्यादा आवाम को ना दावत देते हुए हमने इस एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इस मामले पे हम आगे कैसे चले जाए, हेड इस पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है इस पे कानून की रोशनी डालते हुए आगे हम जो फिरियादी जो है उमरा से, अंबरनाथ से, वारले से और भिवंडी से भी आ रहे हैं और हमारे एडवोकेट डावरे साहब भी जो है हाईकोर्ट के वो भी अभी पांच मिनट में पहुंचे होंगे, तो हमारी ये मीटिंग ऐसा समझे आवाम थे, आवाम का मसला था ही नहीं, हमने पहले से इसमें डाला था कि एडवोकेट कॉन्डिशन मीटिंग है और जितने एडवोकेट हमने बुलाए थे सीनियर पर्सन पर काम करके इन शाह हम लोग भी आगे थे, तो हमारे अमन डावरे साहब है जो कानून की रोशनी में आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे जावेद सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ, अमजद बरकत के हमारे बड़े भाई अमर सिन्हा एडवोकेट साहब, आप लोग जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है पांचाल साहब है, मैं और आप इस मुल्क में भारत में रहते हैं, तो है लोग से बहुत सालों से हमारी नस्लें यहाँ रहेगी राजी कोशिश करें, मगर कई सालों से 10-12 साल पिछले बीते हैं, इसमें नफरतों की खेती करने का काम जो लोगों ने किया है हम सभी इससे वाकिफ है। एट्रोसिटीज एक्ट देश में है, इंडियन पीनल कोड है, जो लोग नफरत फैलाने का काम जिस तरह की बयानबाजी एक कम्युनिटी के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ या किसी धर्म के बारे में जिनको आप पूछते हैं जिनकी बात करके उनके बारे में आराम शराब बातें करना, इस तरह का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है और ये कोई अचानक से किसी के मुंह से नहीं निकलता है, ऐसा मेरा मानना है, सोच समझ कर जिससे पॉलिटिकल फायदा हो ये सोच कर वो बयानबाजी कराई जाती है ताकि समाज में भारत में झगड़े फसाद हो और उसका पॉलिटिकल गेन किया जाए, ये तल हकीकत है और तल हकीकत को बयान करना वकील का काम होता है। भारत के माता संतर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है ना कि कोई सनातन कानून, माता संतर कानून हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत के आईन के अंदर आर्टिकल 19 में हमको दिया गया है, वो किसके लिए दिया गया था कि हम हमारे हक और हुकूम की बात कर सकें, ना कि किसी मजहब या किसी कास्ट किसी रिलीजन के बारे में हम अपनी गंदी सोच को दुनिया के सामने अपनी चलाने को लाए। इससे होता क्या है, इससे देश का हमें खराब होना है, कुछ लोग सड़कों पर निकल के आगे सबसे पहले बस बोलते हैं ट्रेन चला देते हैं, इससे उसका नुकसान हमारे ट्रेन और बस हमारे टैक्स की वजह से आएगी, मतलब फिर हमारे नुकसान है, मगर फायदा किसी और का हो रहा है। मैं आपको सच्चा वाक्य बताता हूँ, तो पुराना है आपको जानते समझ में, बड़े लोग हैं, 1956 में बाबा साहब का निधन हो गया है, 1956 में उसके बाद उनका मूवमेंट जो चलता था उनकी जो आंदोलन थी उनका जो लोगों के अंदर जो आंदोलन चलता था उसको चलाने लाई लाला साहब गायकवाड़ नाम के शख्स पर आई, बड़े नेता थे लाला साहब गायकवाड़। 60 के दशक में 1960 के दौर में एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया बाबा साहब ने, इसका जिक्र पहले नाम में भी किया हुआ कि फसे तैसे जमे, मतलब जो जमीन जोतेगा उसी की जमीन होगी। पहले के जमाने में बड़े बड़े
जमींदार वहां करते थे, तो कुछ करते नहीं थे, मगर मजदूर वहां पर पूरी मेहनत करता, फसल उगाता और जमींदार को देता, और जमींदार उसके बदले उसको जिंदा रहे उतना चावल ज्यादा देता। तो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा कि जो जमीन बोएगा जो फसल मिलाएगा उसी की जमीन होगी। तो जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन थी, तो जो फसल के ऊपर वो जाकर जो किसान था हमारा था या काम करने वाला जो मजदूर था, वो जाकर उस जमीन को अपनी बॉडी लगा दिया। और ये आंदोलन देखते तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक में चला गया, वहां पर बैंगलोर की तरफ चला गया, आंध्र प्रदेश में चला गया। जिनके जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जमीन थी, जो खेत बनते वहां पर काम करते, उन्होंने कहा ये खेत मैं छोड़ता हूँ, ये खेत मेरा है। तो महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ कि सांगली जिला के अंदर ये जो आंदोलन करने वाले लोग थे, इनको हाइज करके जो जमीन को कब्जा बनाने के काम जमीन जो थे वो किसान मजदूर थे उनको कोर्ट बनाया गया हाइज करके। वहां पर जो जज था महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में सब लोग को आदेश किया गया था, हमारे यहाँ में आंदोलन होता था, सब जगह आदमी सबको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो सांगली जिला के अंदर जिन लोगों को 100-150 लोगों को आयोजन करके लाया गया, उनको जज के सामने खड़ा किया गया और जज को बोला गया कि इन्होंने इस तरह का आंदोलन किया, जमींदार की जमीन हमारी है, करके उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। जज ने उनको क्या किया सजा, बोले ये कोर्ट खत्म होने तक शाम तक बिठा के रखो, कोर्ट 6 बजे तक अदालत चलती है, 6 बजे के बाद पूरी करो। उसी दिन उसी सिलसिले में उसी मामले में वैसे ही 100-150 लोगों को 17 की जेल में भी कोर्ट में पेश किया गया। सेम क्राइम सेम ऑफेंस, 17 के कोर्ट में जब पेश किया गया तो 17 कोर्ट के जज ने उनको क्या किया, आज इनकी पुलिस कस्टडी दी। सेम कानून सेम ऑफेंस, जज अलग अलग है, जगह अलग अलग, सांगली और सतारा जिसका आजू बाजू का, ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में शोध किया गया, इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये जो सांगली का जो जज था जिसने शाम तक बैठने की सजा दी थी, वो एक किसान मजदूर का बेटा था और जिसको बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के तहत जो एक जमीन मालिक था, उसका बाप उसकी जमीन पे काम करता था, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के तहत उसको वो जमीन उसके बाप को मिली थी और वे किसान का बेटा जज बना था। तो उसको लगा कि यह हक बात है, इसलिए उनको शाम को 6 बजे तक बिठाने की सजा दी। वही सातारा में काम हुआ, जो जज था उसका बाप बड़ा जमींदार था, उसकी कुछ जमीन इस काम के तहत चली गई थी, इसलिए उसको लगा कि साहब मेरी भी जमीन ये लोग खा गए, इनको सजा देना जरूरी है, इसलिए आज की कम। कहने का मतलब यह है, इंसान जिस क्षेत्र से जिस समाज से जिस सोच से आता है उसी तरह की उसकी सोच रहती, चाहे वो जज हो या सीएम हो या पीएम हो या एमएलए, जिस क्षेत्र से जिस विभाग से जिस चाहिए से आता है। देश में कानून है लेकिन इस चीज के बारे में 295/53 सर बताएंगे, मगर सजा होती है क्या? दिल्ली के अंदर अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर है, उसने 2019 के दौरान या 20 के देश के गद्दारों को गोली मारो सारा बोला, वो हेड स्पीच में कंसिडर किया गया है। अब उसमें रिसेंट आया दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें कहा कि ऐसा कोई केस बनता नहीं, तो क्यों नहीं बनता? तो उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ये हंसते हंसते बोल रहा था विद स्माइलिंग फेस, मतलब आप किसी को अगर बोलना चाहते तो हंसते हंसते बोलने को गला है, तो केस नहीं कर पाएगा। ये इस तरह के जजेस इस तरह के सोच से आते हैं, इसलिए देश के इंसाफ नहीं हो पाता। जब तक ये बाबा या जो भी गलत बातें कि वो बाबा हो जो कोई मौलाना जो गलत बात करेगा जो देश के आयन के खिलाफ हो अमन के खिलाफ हो उसको सजा देने के लिए वैसे सही व्यक्ति लोग कानून बनाने की आवश्यकता है। तो कानून बनाना कौन है? एमएलए जाता है महाराष्ट्र के असेंबली में, वो रिकमेंडेशन करेगा, वो कोई बिल लाएगा। राज्यसभा के अंदर लोकसभा के अंदर जो एमपी जाता है वो अगर उस तरह का सोच रखने वाला हम अगर चुनकर भेजे तो उस तरह का कानून बनाए। हम रोज कार्यक्रम में ये सोचते हैं कि ये आपने धर्म वाला आपने तरीके वाला है क्या, आपने जात वाला है क्या, तो क्या करेगा, कोई नहीं करेगा तो कर क्या है?
तो अच्छे सोच वाला पहले उत्तर बनाना पड़ेगा, उत्तर बनाने के बाद अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, अच्छा लीडर बनाना पड़ेगा, और उसको बोलेंगे तो देश का सही से पालन होगा उसका। और इस देश के अंदर जो हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे है, उनको भी हम तो ऐसी ही तरबियत देने की जरूरत है ताकि वो उसी जगह का अच्छी सोच का भारत में रहने वाला सेक्युलर माइंड का बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला और हर मजहब को हर समाज के हर तबके के हर व्यक्ति को इज्जत देने वाला बनेगा तो जाके भारत का भविष्य बनेगा। काम तो हर चीज के लिए भयम तो लोग आप है ना मत क्या हो रहा है 4 साल 25 साल की बाईस साल की मर्डर के लिए रोड मर्डर कानून को उसको डिस्ट्रिक करना पड़ेगा। तो कहता हूँ ये हेड पीछे के साथ यूएपीए का भी कानून करना चाहिए, दो दो साल तक जमा नहीं होंगे तो सब सीधे हो जाएंगे। तो इस बारे में हम कुछ तय करके उसके बारे में कुछ कर सकते हैं कानून तौर पे किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाए इस बारे में हम सोच कर इस बारे में सोचेंगे, इस बारे में काम करने की जरूरत है। केवल मेमोरेंडम देने से धरना करने से वो तो करना है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट ही है, मतलब सिर्फ उससे नहीं होगा, इससे हटकर भी 40,000 आपको करनी पड़ेगी। और वो करने के लिए हम आपके साथ हमेशा है, क्योंकि तो वही कम्युनिटी के ऊपर जात को लेकर दलित लोगों को मारा जाता है और धर्म को लेकर मुस्लिम लोगों को मारा जाता है, क्रिश्चियन को भी मारा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सजीव से लेने की जरूरत है। और ये मीटिंग का उपमान किया मुझे मैसेज आया कि इस बारे में हेड स्पीच के बारे में और ये हमारे भारत में महाराष्ट्र सब जगह करने का माहौल मिला है। और मैं ये अपनी खुशकिस्मत समझता हूँ आपके पास आया हूँ और मैं मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मुझे बोलना है उनका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। वो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको समझ के लेना चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसका एग्जैक्ट उल्टा है हेड स्पीच। हेड स्पीच की ऐसी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में या और कोई जगह पे नहीं है। कई क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस में हेड स्पीच का डेफिनेशन बताया गया है कि हेड स्पीच क्या है। अब हेड स्पीच हम इससे पहले भी सुनते आए हैं, तब से 2014 से पहले भी, 2014 के बाद भी, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा बोला। अब जब ये लोग बोल देते हैं और उसके बाद कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले स्टैंड रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमको दो चीजें समझ के लेना पड़ेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हेड स्पीच क्या है। अब हम भारत के नागरिक, हमारे को जो अच्छा लगता है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको इजाजत देता है वो हम हमारा व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब जब अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने के दौरान अगर सामने वाले के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं या उसका दिल आजारी होता है या उसका दिल दुखता है तो उसको नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। कुछ दिन पहले वो रामगिरी जो एक उनका शर्मन दे रहे थे, जो बयान कर रहे थे, उसके दौरान हुजूर पाक के बारे में उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिसके वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, उसके ऊपर बहुत सारी FIRs हुई महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र के बाहर के बारे में मुझे मालूम नहीं पर महाराष्ट्र में हुई। अब मेन रीजन मुझे लगता है ये मीटिंग का है कि भाई हमने तो FIR कर ली, उसके बाद क्या, तो उसके बाद कानून के क्या प्रावधान है कि हम वो FIRs के बारे में, क्योंकि पुलिस तो टोटली इनएक्टिव हुई, पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, जो अभी यहाँ पे कंप्लेनेंट है क्या उनसे कोऑर्डिनेशन है, क्या उनको कुछ फोन कॉल्स है, मुझे जहाँ तक मालूम है कि सब जगह पे FIR करवा के एक जगह पे उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद कंप्लेनेंट को फोन आया, उनके स्टेटमेंट एडिशनल हुए नहीं हुए इस बारे में मुझे मालूम नहीं। तो अब हम पुलिस के भरोसे ही रहते हुए तो 25,000 होने के बाद भी अगर वो आदमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया है तो अब आपका राइट कॉन्स्टिट्यूशन में बनता है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, जिसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि भाई पुलिस टोटली इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है। इतने ऑफिसर्स होने के बाद अब जब भी आप लोग 4 तारीख को वहां जाए तो आप अपना एक रिटर्न ऑब्जेक्शन उधर पे रिकॉर्ड करवा लीजिए, भाई आप इसके अंदर फला ये है और इसके अंदर हमको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा पुलिस के पार्ट से कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसकी अपडेट हमको नहीं है। अच्छा, पुलिस क्या आपको अपडेट बताने के लिए बंधी हुई है, तो पुलिस नहीं बंधी हुई है पर प्रोग्रेस आपको इंटीमेट करना पुलिस का एफ पी आर, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, पुलिस को बताना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ।
दूसरी बात ये कि अब इसने तो बोल दिया एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद अब ये जनरल ट्रेंड हो जाएगा, अगर इसके ऊपर सीरियसली एक्शन नहीं लिया गया तो ये जनरल ट्रेंड हो जाएगा कि भाई ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए कोई भी आदमी किधर से भी कमेंट करेगा और उसके ऊपर हम सब क्या नाम है तो हमारा दिल ही भरी जाएगा उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करें जो हमको कानूनी राइट मिलता है, तो क्या हम सिर्फ एफआईआर ही करेंगे उसके ऊपर? तो अब इसके आगे अभी ये जो मीटिंग बैठी है आपके जो अपडेट से बैठी है वो आपका जो भी एजेंडा रहेगा उसके अंदर एक एजेंडा ये डाल दिया कि भाई इसको हमको अभी आगे बैठा लेके जाना, क्योंकि ये आदमी अरेस्ट होता है नहीं होता ये दो अलग चीज है, कि वो अरेस्ट होगा तो क्या होगा, वो अरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा। अब वो अभी तक उसने इतनी एफआईआर होने के बावजूद, नॉर्मली ऐसा होता है कि इतनी एफआईआर होने के बावजूद एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती, पर पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए एफआईआर की इसके लिए उनको वो जो पहला शख्स है जिसके ऊपर एफआईआर हुई जो आरोपी है उसको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट और ये सब एफआईआर क्लब पर एक जगह ट्रांसफर करके देना चाहिए था, आज तक वो भी नहीं उसने किया। इसका मतलब ना पुलिस की तरफ से उसको कुछ नोटिसेस मिली है ना कुछ मिली है, जो ऑफेंस रजिस्टर उसको इंटीमेटेड किया नहीं गया तो उसको मिला कितना ऑफेंस, इसका यह सेंस होता है। अगर उसको ये मालूम पड़ता कि पुलिस एक्टिव होती है और कितने ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट रजिस्टर हुए और वो ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद पुलिस उसको इंटीमेट करती कि ये तेरे अगेंस्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ और वहां जो स्टेटमेंट है वो तेरा क्लेरिफिकेशन कि तूने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो वो इमीडिएटली इतने 26 जगह के इन्वेस्टिगेशन को ना फेस करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जाता और वहां पे जाके एफआईआर क्लब पर आने के लिए कहता, उसने वो नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है उसके आगे मिले नहीं मालूम कि गया है कि नहीं गया, अगर वो ज्यादा न्यूज मीडिया में वो रहता वो नहीं गया। इसका मतलब ये है कि वो एफआईआर की जो मालूम है या उसके अगेंस्ट में वो हुआ है ना पुलिस उसको जाकर बता पाई है ना पुलिस ने उसको इंटीमेट किया है, ये बायस इन्वेस्टिगेशन इसको हम बोले बायस इन्वेस्टिगेशन है कि बाबा पुलिस जाकर उसको बोलते हैं, बायस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे आप लोग कोड अप्रोच कर सकते भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम होगा। अगर वो लेकर के अंदर कोई नया एफआईआर नंबर रहता तो अपन ये बोल सकते थे कि भाई तुम्हारा ये डिमिनिश किया है नया एफआईआर जो आप यहाँ अंपुरा में लिख सकती है वो नंबर और उसके अंदर लिखा हुआ नंबर अगर चेंज होता अपना आपको मालूम उसके अंदर कंटेंट दिया देना मेरे को मालूम होता है बस स्पेकुलेशन कर सकते हैं ये हो सकता था ये हो कोई चीज चार तारीख को जाना चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दिलीप को नाम बुला करके वैज्ञानिक को बुलाया जाना चाहिए आप कैसा रहता है आपके प्रोसेस है अब उसको जो पॉलिटिकल या जो और दूसरी फोर्सेज उसके प्रोटेक्शन में आएगा वो अभी तक तो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने है ज़्यादा खड़े हो मैं कोई कोर्ट अप्रोच किया है मुझे मालूम है मेरी मालूम के हिसाब से नहीं तो आप वो आपको एडिशनल स्टेटमेंट के लिए शायद बुला दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा एडिशनल स्टेटमेंट है या और कुछ डेवलपमेंट उसके अंदर हुई गई आप जाके ये तो पता करो कि भाई कुछ डेवलपमेंट क्या होगा तो फला चस को वादी को आरोपी को इसको नोटिस मिला है नहीं मिला है वो उसमें ऐसा गया है कि बाबा ये कोई नहीं चलो पुलिस में ट्रांसफर हो पर हमारा एरर हो गया ये बात का लगे रहे तो सब लोग पर लगे रहे चलो ऐसे बात है ये एक के बाद में तो बात है राइट पॉइंट
छोटा टेंशन नहीं जाए, सबकी लिमिटेशन से आप वोट जाने की सिर्फ वोटिंग नहीं जा सकता है और आप जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए आप नहीं जा सकते। मेन इसके अंदर क्या है कि एक आदमी मजबूत होना चाहिए कि जो भाई सबको मान के रखे, कन्वीनर होना चाहिए एक प्रॉपर कन्वीनर करके जावेद शेख साहब को यहाँ पे अपॉइंट कर रहा, वो अपने हिसाब से उनके पास हम और दूसरे जो ऐसे एडवोकेट हैं जो उनके कॉन्टैक्ट लोग हैं वो खुद खड़े रहेंगे और वो बता देंगे कि भाई फला आदमी को भाई घंटे के दिन ये टाइम पे दस घंटा घंटा मिले, हर किसी की हर टाइम पे अलग अलग सुविधा रहती है, हर टाइम पे लोग इतना टाइम नहीं दे पाएंगे अभी की मीटिंग के लोगों ने टाइम नहीं, तो आप बैठो उनके साथ, आप लोग जितने भी कंपोनेंट है आप उनके साथ बैठो, उनको लेके बैठो एक जगह पे 25 है 26 है जो भी है कॉन्फ्रेंस में लो, वीडियो कॉल पे लो, जो कॉल पे लेना है लो उसके साथ वो ये केस के लिए एडवोकेट जावेद शेख को उसके साथ कमेंट अपॉइंट करो और वो उनके उसके बाद उनको जो मैसेज देना है वो दे। सबका मकसद एक ही है कि जो घटना हुई है उसके बारे में आगे क्या सोच रहे हैं वो करना है और वकील साहब वकील साहब मुमरा के साहब उसने जो बताया वैसे ही करो और कन्वेनर कौन इसके लिए मैं जावेद सर को भी बताना चाहता हूँ कि उससे जवाब देने को भी ले लेंगे। मेरा मकसद है मकसद सबका एक ही है कि जो कानूनी कार्रवाई करनी है उसे जगड़ना, आप सब इकट्ठे हुए हैं इसके लिए बधाई देता हूँ सबको। मकसद है इसमें काफ़ी लोगों ने अपनी इनकी राय पेश करी और उसमें अमल करना लेकिन हम तो शुरुआत करते हैं कि सर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं हम पूरे 100% उस पर अमल करेंगे। मैं इसके बाद यहाँ पर आए हुए जितने मेहमान हैं जो हमारे अमरनाथ से लेवंटी से और अमरनाथ से लोग मंडल में आए हैं अगर व्यक्ति जाया कर दें और ये आगे की जो राय हम तैयार किए जा रहे हैं वो जो है इन शाला दावत पर अमल करा। मैं इसके बाद दावा देता हूँ हमारे शहर की मार्ग से मुफ्ती साहब को गाड़ी शरीफ साहब वो अपने इन जो भी ये वाक्य चल रहे हैं इस मौके पर अपने रोशनी डाले मेरा बस इतना कहना है कि और जाने का जितनी ताकत लगेगी पैसे से लेकर आभार से लेकर बहुत गर्मानी से लेकर के वो हम आपके साथ हैं, आपका काम है सिर्फ और बजा के इसको अंजाम तक पहुँचाना और दिल्ली को वापस मुझे दिल्ली की ताकत आप बिल्कुल ना खबरा है पैसा जितना लगेगा हम लोग लगाएंगे और जहाँ पर माहौल गर्माने की बात होता है भाई ग्राम मौजूद है हर ताकत थोड़ी लगेगी बस आप इसको जाके अपने पूरी तंजीम बनाएगा आगे बढ़ा हम आपके साथ ही में बहुत अहम फैसले पर सबकी राय उत्पत्ति हुई है कि एडवोकेट जावेद साहब इसमें कमेंट देंगे जो भी इस टॉपिक से और जो भी इस रिलेटेड से जो भी बात होगी मैं इंशाल्लाह इस शहर के जो जिम्मेदार हजरात है जिन लोगों ने इसका जिम्मा उठाया है वो एडवोकेट जावेद साहब से रब्ता करके उस ताल्लुक से बात करेंगे जो कंप्लेनर है जिन्होंने कंप्लेंट की है वो भी उनके कॉन्टेक्ट करेंगे फिर एडवोकेट जावेद साहब अपनी सारी बात से रोशनी डाल के वो अपने एडवोकेट से राय मशवरा करके उस पर जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह उस पर लंबाई देंगे। मैं गाड़ी शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ उन्होंने अपने जज्बात को यहाँ जाहिर किया कि जिस तरीके से भी इन उगला हजरात को आऊन की बोलो या जज्बात की बोलो या अफराद की बोलो जिस शक्ल की उनको जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके साथ में शरण रहेंगे। मैं इस मीटिंग के अंदर आए हुए सारे मेहमान मुफ्ती जी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सहाफी हजरात जो इसको कवर कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात को फिलहाली तक पहुँचा रहे हैं और इसके अलावा इस मीटिंग को कामयाब करने में चंद नाम जो काफ़ी छोटे उम्र के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इसको एक स्टैंड लिया और इन लोगों को जमा करने में बड़ी मेहनत रखी, छोटी सी मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मेहनत रखी है, इस मेहनत को उन्होंने अपने जज्बात के तहत और अपनी मोहब्बत के तहत इसको यहाँ जोड़ा अन्ना उनको भी कबूल करे। मैं यहाँ पर आए हुए जो हमारे भाई हैं हमारे जो आशीर्वाद भाई हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ तो उन्होंने इस मिली जज्बे को और इस कौम के जज्बे को अपना जज्बा समझा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें हिंदुस्तान है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक संविधान दिया उसके तहत हम एक संविधानिक भाई भाई है हम एक हिंदुस्तानी है, सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो आपस का हिंदुस्तानी का होता है जिसको उन्होंने यहाँ साबित किया कि हम कोई भी मसला हो अगर वो हिंदुस्तान के ऊपर अगर वो वहाँ जाए तो चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर हो या अपने हक की लड़ाई हो हम उसके बीच कदम रहेंगे। मैं दिखर अजहर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिर में
अंदर बढ़कर इसे आपको बताता हूँ कि इस मीटिंग के इंतजाम के लिए सर मौजूद के गौरव से डाले और स्थिति का इंतजाम करें। इंशाल्लाह ताला मेन मकसद की बात तो हो गई, लेकिन आगे भी हम देखिए हम मीटिंग कितने लोगों को बुलाते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तारीफ हुआ है कि बहुत ही कम लोगों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती है, तो उसी पे हम अमल करते हुए ये ना सोचे, और उसी पे हम ये मीटिंग आवामी मीटिंग नहीं थी। और मैं खासतौर से एमएसओ हॉल के सदराम और उनकी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी से भी जिंदा में हमको उन्होंने काम किया और कभी भी इस मामले के लिए एमएसओ हॉल के प्रति हमारे विजय खड़े हुए। और जैसे कि काली साहब ने जो बयान किया, इससे हमारे हौसले अलहमदुल्ला आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं बोलता हूँ कि जैसे भी मतलब ये मामला चलता है तो इस मामले में हम छोड़ेंगे नहीं। जैसा मैं मुमरा साहब हमारे कमांडर मोती साहब को भी बोलूंगा कि अगर वहां भी आप कितने लोग आते हैं एयरपोर्ट लेवल पर सोशल लेवल के ऊपर उसी मीटिंग लगा दीजिए। वार्ले में भी मैं बात कर रहा हूँ, अमरनाथ के साथ से सब जो हमारे कंप्लेंटर से भी हम ये कर रहे हैं, भिवंडी वाले भी जो अभी रविश मोहन जो कंप्लेंटर का दुरंधा है से ही बात कर रहे हैं। सारों को मिला करके वकील कमिश्नर के तौर पर हम जारी साहब को पहले से लेके चल रहे हैं, जो माशाल्लाह ने बीस अभी की बात की इसमें, और वो लास्ट तक का इस मामले से शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हम तो कंप्लेंटर है, लेकिन आप लोग हमारे पीछे पूछ रहे हैं तो हमारे कदम नहीं लटकेंगे, तो आपका भी हमको काम जरूरी है इंशाल्लाह ताला। और हम इस मामले को पूरा ले जाने की हेड स्पीच के मामले में जिस तरह से वकीलों की जिम्मेदारी है, हम भी कंप्लेंटर कोर्ट में खड़े रहेंगे। हम इसमें कभी किसी वक्त से या किसी वाले वक्त से हम ऐसा बहाना नहीं बताएंगे, इसलिए हमने ये चीज को पहले कर लिया और आवाम ने खोल दिया कि आवाम की जिम्मेदारी यहाँ तक की जहाँ तक कंप्लेंट है, अब हमारी मेहनत शुरू होती है। तो हमने किस तरह से मतलब ज्वाइंट सीपी कमिश्नर को मिलकर के मेमोरेंडम ये किया, हमारे जावेद साहब से हमारे डेली हमारी इस पे बात हो रही है, इंशाल्लाह ताला जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते शाना पोशाना हम इसे मिलकर आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे गोंडवी न्यूज वाले और हमारे महानिदेशक अहमद भाई और हमारे अफसर भाई यहाँ पर है, वकीलों से और कुछ आगे कैसे मतलब काम करेंगे कांग्रेस में इंशाल्लाह बड़े मतलब मेरे वकील साहब हमारे और भी है थोड़ा बहुत रुके रहे जैसा भी आप लोग भी रहेंगे साथ में जाए जाते हैं, तो आप लोग भी साथ में रहेंगे इंशाल्लाह जिस तरह से बाइक के आप।